Hello my dear students and my dear friends, welcome all of you on our YouTube channel ITT Science Classes. इस चैनल पे हम अभी इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा रहे हैं और बारी बारी से एक एक बात हम लोग देखते जा रहे हैं और आप काफ़ी लाभान्वित हो रहे होंगे, है ना। वीडियो अच्छा ही लग रहा होगा और अगर कोई कमी है, कहीं आपको समझ में नहीं आता है कोई बात, तो बेधड़क कमेंट करें, हम उस कमी को दूर करने का कोशिश करेंगे। ये आपका अपना चैनल है और जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो पहली बार हमें देख रहे हैं, कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आप ही के लिए काम कर रहे हैं, है ना। मुझे काफ़ी खुशी होगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कुछ कमेंट करेंगे, है ना, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए, थैंक यू। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। एट एन इक्विलेटरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कहाँ निकाले थे, एक्सियल पॉइंट पे निकाले थे, मतलब इसी का दूसरा पार्ट है वो, सॉरी उसी का ये दूसरा पार्ट है। तो इक्विलेटरल पॉइंट आपका एक्सियल पॉइंट पर देख चुके थे, आज इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालेंगे, सॉरी इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालेंगे। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पर। तो ए बी एक रड लिए हैं जिसका लेंथ कितना है, एल है, है ना। और इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, ए बी रड, और इस पर कितना चार्ज दिया गया है, क्यू दिया गया है। और इससे इसके मिड पॉइंट जहाँ है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पोजीशन ही क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। तो इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर, मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो हम कई बार बोल चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी चार्ज के कारण होता है, किसी पॉइंट पर होता है। तो यहाँ तो चार्ज पूरे रड पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चूंकि हम लोग कूलम्स लॉ के मदद से निकालने जा रहे हैं, तो पूरे रड पर का चार्ज के कारण हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे कूलम्स लॉ। क्यों? क्योंकि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो हम लोगों को इस रड पर, रड के चार्ज को छोटे छोटे पॉइंट के रूप में तोड़ना होगा। तो अगर इस रड का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, तो वह कैसा, उस पर जो चार्ज होगा कैसा होगा, तो पॉइंट चार्ज के रूप में होगा। तो यह कितना डिस्टेंस पर ले लिया, एक्स डिस्टेंस पर ले लिया। कितना बड़ा टुकड़ा, तो ये टुकड़ा जो हुआ ये डी एक्स लेंथ का ले लिए। कितना लेंथ का, डी एक्स लेंथ का। ओके, एक टुकड़ा ले लिया। अब इस छोटे से टुकड़ा पर भी चार्ज आया होगा, क्योंकि चार्ज पूरे रड पे बटा हुआ है, तो इस छोटे से टुकड़ा पर भी आया होगा। अब इस छोटे से टुकड़ा पर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पी पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा। तो इस छोटे से टुकड़े पर के चार्ज के कारण पी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन वही होगा जो इस कूलम, एक कूलम के पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा होगा इस छोटे से टुकड़े के कारण, तो किधर फोर्स लग रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। और छोटा टुकड़ा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा बन रहा होगा, छोटा ही बन रहा होगा। तो इसको हम लोग कितना लिखे, डी ई लिखे। अब अगर ये आर डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस कितना है, होगा ये एक्स है, ये आर है, तो ये डिस्टेंस जो होगा चार्ज से पॉइंट की दूरी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मानते हो इस बात को? अच्छा, यहां कुछ ना कुछ कोण भी दिखा होगा हम लोगों को, तो यह कोण कितना ले लेते हैं, मान लिया जाए अल्फा कोण ले लिया, अल्फा। तो यहां पर अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग खींचेंगे, तो ये अल्फा है, तो ये एंगल भी कितना दिख रहा होगा हम लोगों को, अल्फा ही दिख रहा होगा। तो डी का कंपोनेंट जो होगा यहां पर कितना हो जाएगा, डी ई कॉस अल्फा इस तरफ और इधर जो कंपोनेंट बन रहा होगा कितना बन रहा होगा,
तो DE साइन अल्फा, चूंकि कोई भी वेक्टर का थीटा पर कंपोनेंट लेते हो तो कॉस थीटा, 90 माइनस थीटा पर लेते हो तो साइन थीटा, तो इधर जो कंपोनेंट बन रहा होगा वह कितना बन रहा होगा, DE साइन अल्फा। ओके, अब देखिए जैसा टुकड़ा जितना लेंथ डिस्टेंस पर इधर लिए हो उतना ही डिस्टेंस पर अगर एक टुकड़ा इधर लेते तो इस टुकड़े के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होता, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस टुकड़े के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अपोजिट होता, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट दोनों तरफ के टुकड़े के कारण एक ही डायरेक्शन में होता। तो इधर के सेक्शन के कारण हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर वाले सेक्शन के, इधर वाले कोई भी टुकड़ा लेंगे तो उसके क्या होगा, अपोजिट होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का आपका नेट जो होगा वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पी पॉइंट पर, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, मतलब पूरे रड के लिए यूं कहें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह किधर होगा, वर्टिकली होगा। जैसे यहाँ पर लीजिएगा तो यहाँ पर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टूटकर इधर आएगा, वर्टिकली ऊपर ही रहेगा, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों का एक दूसरे के अपोजिट है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ई नेट जो बेसिकली बचेगा पी पॉइंट पर वह कितना होगा, ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। अब डीई निकालने के लिए हमको चार्ज चाहिए इस छोटे से टुकड़ा पर, तो सबसे पहली बात चार्ज निकाल लेते हैं। तो चार्ज देखिए तो कितना हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू क्यू बाई एल और इन टू डी एक्स हो जाएगा छोटे से टुकड़ा पर। अब इस छोटे से टुकड़े के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डी इज इक्वल टू होगा 1/4πε0 डी क्यू बाई, ये डिस्टेंस कितना है, पी से चार्ज की दूरी, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो यही रहेगा। ई नेट कितना बनेगा, या पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वह कितना होगा, तो 1/4πε0, या यूं कह ले कि ई पी जो होगा वह डी ई कॉस थीटा होगा का इंटीग्रेशन, और यह एक्स में जो वेरिएशन है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक, मतलब -L/2 से लेकर +L/2 है ना। अब देखिए सबको एक्स में वेरिएशन हो रहा है, तो ये तो थीटा वगैरह का जो भी फंक्शन है उसको एक्स में बदल दो, सॉरी ये अल्फा है तो यहाँ आप अल्फा लिखिएगा। तो EP इज इक्वल टू -L/2 से लेकर +L/2 और DE का मतलब हो गया 1/4πε0 और DQ का मतलब हुआ Q बटा L DX DQ और बाई R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, इतना डी का मान रखे और इनटू कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या होगा, तो आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर बाई अंडर रूट का मतलब पावर हाफ। तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह देखिए कितना होगा, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया जाए सावधानी से, तो 1/4πε0 कांस्टेंट है, नहीं बदलने वाला टर्म है,
उसके बाद क्यू बाई एल नहीं बदलने वाला है, आर भी नहीं बदलने वाला में से है, जो बच गया वह क्या बच गया, डी एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। और इसका इंटीग्रेशन करना है माइनस एल बाई टू से लेकर प्लस एल बाई टू तक। अब देखिए दिक्कत है यहाँ पर, तो पहले इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ रख देंगे लिमिट डायरेक्ट। तो इधर रफ वर्क उसके नीचे और यहाँ मान रखाएगा, तो रफ वर्क क्या कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग से निकाल लेते हैं, डी एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 का। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ऐसे स्थिति में सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हम लोग एक्स इक्वल टू आर टैन थीटा पुट करेंगे। तो पुट कर देते हैं एक्स इक्वल टू आर टैन थीटा, तो एक्स इक्वल टू आर टैन थीटा पुट किए होंगे तो टैन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स बाई आर, वहां से नहीं ये अपना मन से पुट किए, तो जिसको पुट किया उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो जब एक्स इक्वल टू आर टेन थीटा यहां रखोगे तो क्या हो जाएगा, नाउ डी एक्स का मतलब हो गया आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और एक्स इक्वल टू आर टेन थीटा रखेंगे तो क्या होता, जो देखिए आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होता, इसका पावर 3/2 होता, तो आर स्क्वायर कॉमन लेते अंदर में तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो कि कितना हो जाता, तो सेक स्क्वायर थीटा होता और इसका पावर 3/2। तो पावर हाफ से दोनों का स्क्वायर खत्म होता और एक क्यूब से आर क्यू सेक क्यू थीटा होता, तो आर क्यू सेक क्यू थीटा आ जाता। अब इस आर से एक आर कैंसिल होता तो कितना बचता, जो देख लीजिए तो 1/r² और सेक क्यू थीटा सेक स्क्वायर थीटा बाई सेक क्यू थीटा, तो 1/sec² 1/sec θ और 1/sec θ का मतलब cos थीटा, तो ये क्या रह जाता cos थीटा डी थीटा, 1/r² और cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा। अब थीटा तो आप जान नहीं रहे थे, थीटा तो आप अपना मन से x इक्वल टू आर टेन थीटा पुट किए हैं, तो sin को 100r के रूप में लिख देते हैं। तो जब tan थीटा इक्वल टू एक्स बटा आर है, ये x, ये r, ये थीटा, तो जाहिर सी बात है कि ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन निकाल कर कितना आया 1/r² और sin थीटा का मतलब एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये रफ वर्क में हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, तो डायरेक्ट वो इंटीग्रेशन इस इंटीग्रेशन का मान रख देते हैं, तो यहां तो देखिए तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε₀ क्यू बाई एल इंटू आर, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया है, तो 1/r²
इसका इंटीग्रेशन 1 by r² r into x by अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और लिमिट लगाइएगा तो कहाँ से कहाँ तक -l/2 से +l/2 तक। ओके अब देखिए ये आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल होगा तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 q/l एक आर कैंसिल हुआ है तो इंटू 1/r या डायरेक्ट सिम लिख दीजिए इंटू r ये पूरा टर्म समाप्त हो गया। अब पहले हम लोग अपर लिमिट रखेंगे तो x के जगह l/2 रखें तो देख ध्यान दीजिएगा l/2 by इसमें रख रहे हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस l/2 का स्क्वायर होता l² by 4 माइनस लोअर लिमिट रख रहे हैं एक्स के जगह तो एक्स के जगह रखेंगे तो कितना रखाएगा -l/2 और नीचे यही बात हो जाएगा अंडर रूट r² + l² / 4 चूंकि एक्स माइनस एल बाई टू भी रखिएगा तो स्क्वायर होकर वही होगा तो क्या होता r² + l² / 4। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो जब प्लस होगा तो EP = 1/4πε0 q/l और इंटू आर ये प्लस होता तो दोनों ये कहीं चीज हो जाता तो जोड़ेंगे तो कितना होगा ये एलसीएम होगा माइनस माइनस प्लस तो l/2 का सम कितना होगा जी l होगा और एलसीएम कितना है तो एलसीएम यही है तो इसको कितना लिख सकते हैं 4r² + l² का अंडर रूट अब बाई 4 तो 4 square root में तो उसका वर्गमूल 2 तो वो 2 नीचे से कहाँ चला गया ऊपर चला गया। अब इस l से l कैंसिल होगा तो क्या बचेगा P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 q/r एल से एल कैंसिल हो गया और कितना 2/4r² + l² यही होना चाहिए है ना चेक कर लिया जाएगा तो ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझ लीजिए।